हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उड़ता पतंग। तो रिसेंटली एक वीक के लिए मैं और रितिका दोनों सिंगापुर घूमने के लिए गए थे, और सिंगापुर से हमने बाय रोड क्वालालंपुर भी गए अराउंड 1.5 डेज के लिए। ये सारा कुछ हम अपने व्लॉग में कवर करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ ऑल दी व्लॉग्स विल ऑल्सो शेयर क्या क्या आपको प्लानिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी अभी के टाइम पे सिंगापुर जाने के लिए एंड मलेशिया भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं डे वन व्लॉग से सिंगापुर। जस्ट एयरपोर्ट पहुँचे हैं। हमने बैंगलोर से सिंगापुर फ्लाई किया था सिंगापुर एयरलाइंस में, जो कि हमारा 11 बजे रात की फ़्लाइट थी, एंड अराउंड 4.5 आवर्स आपको लगता है सिंगापुर पहुँचने के लिए अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो। आराम से चेक इन हो गया था, इमिग्रेशन में भी कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं, सिंपली पासपोर्ट लिया, स्कैन किया, डिटेल्स चेक किया एंड देन फिर वी वेयर थ्रू। हमने ग्लोबल नियो कार्ड भी अपने साथ लेकर के गए थे, विच केम हैंडी टू एक्सेस द इंटरनेशनल लॉन्च। तो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया फॉरेक्स कार्ड है जिसमें 0 मार्कअप होता है। इसके बारे में एक अलग नया वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड बेनिफिट्स हैं ग्लोबल नियो कार्ड के लिए। ये बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है ये कार्ड रीसेंट टाइम्स में। आपको एक सेविंग्स अकाउंट मिलता है एंड देन बहुत कुछ मिलता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में। अभी के लिए फोकस रहते हैं व्लॉग के ऊपर। आराम से 11 बजे हम लोग फ्लाइट में बैठ गए सारा चेक इन वेकिन करके, एंड सुबह सिंगापुर के टाइम से 6 बजे हम लोग लैंड किए थे। वहाँ का इमिग्रेशन और भी बहुत स्मूथ था, उन्होंने बस सिंपली पासपोर्ट मांगा एंड देन वीज़ा का कॉपी मांगा एंड देन दे चेक्ड ऑल द डिटेल्स एंड देन वी वेर थ्रू। तो अभी हम लोग 6:30 बजे सिंगापुर पहुँचे, हम लोग जा रहे हैं बेल्ट की तरफ सामान लेने इमिग्रेशन का। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। नींद बहुत आ रही है और आपको सिंगापुर पहुंचने के पहले SG अराइवल कार्ड फिल करना होता है। उसमें आपको सारा डिटेल्स फिल करना होता है कि आप कोई सिम्टम्स नहीं है आपको कोरोना वायरस का, है ना, एंड सो एंड सो। सो इट्स लाइक बेसिकली अ हेल्थ डिक्लेरेशन फ्रॉम सिंगापुर गवर्नमेंट। तो ये आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिल नहीं करोगे तो इमिग्रेशन वालों को पता चल जाएगा कि आपने फिल नहीं किया है, तो ये ज़रूर से फिल कर करके आप जाएँ। सबसे पहले हमें लगी थी भूख, तो फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह ढूँढे। From there, I can't pronounce it, but whatever it is, this is we are having thosai. It's like dosa. Which is dosa. This is masala egg dosa. And this is their kind of sambar. It's more tasting like dal. And yeah, this is egg masala dosa. About food, nothing. खाना है तो बहुत भूख लगी। हाँ यार. And finally, I got my lifesaver tea and it's so good. एंड उसके बाद फिर हमने सिम कार्ड ढूंढना स्टार्ट किया, तो Terminal 3 में हमें सिम कार्ड मिला। 2-3 कंपनीज़ की सिम कार्ड आपको मिल सकती है, तो सिंगटेल का हमने सिम कार्ड लिया जो कि एक टूरिस्ट कार्ड है। एक वीक के लिए अगर आप लोगे तो $15 हमें लगा एक्चुअली, क्योंकि हमने कॉम्बो पैक लिया था जिसमें आपको मेट्रो का एक्सेस भी मिल जाता है एंड $3 का आपको रिचार्ज वैल्यू मिलता है। तो हमने फटाक से इसको जा करके मेट्रो स्टेशन में रिचार्ज कराया, $10 डलवाए एंड देन आप ये सिंगल कार्ड से आप बस MRT LRT सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा गाइड में। भाई बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, 3-3 टर्मिनल है एंड सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपको एक ट्राम वे भी मिल जाता है, उसके बाद फिर आप अगर वॉक करना चाहते हैं एक टर्मिनल से दूसरे में तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ज्वेलचंगी देखने का, क्योंकि बहुत कुछ सुना हुआ था कि $1 बिलियन लगा करके इन लोगों ने इंडोर वाटरफॉल बनाया हुआ है। इट्स सिंपली पैराडाइज फॉर नेचर लवर एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैन मेड वंडर। हम इतने सुबह पहुंच गए थे कि सारा कुछ बंद था, तो हम बाहर से देखते देखते पूरा एयरपोर्ट घूम करके निकल लिए। हमें लगभग 4-5 घंटे लग गए एयरपोर्ट में ही घूमते घूमते। उसके बाद फिर हमने सोचा बहुत लेट हो रहा है, हमें और भी बहुत जगह जाना था। मरीना बे सैंड्स आम में हमारा रिवर क्रूज प्लान किया हुआ था, रेड डॉट म्यूजियम जाना था, वहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है तो उसको देखने के लिए जाना था। तो हम लोग फटाफट होटल गए, चेक इन किया
और हल्का सा रिलैक्स करने के बाद फिर हम लोग निकल लिए मरीना बाय सैंड्स की तरफ मेट्रो लेकर। तो एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन था, आधे रास्ते में मेट्रो से जाना हुआ, उसके बाद फिर हमने बस चेंज किया एंड उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए बाय सैंड्स एरिया। यहाँ पे हल्का घूमने के बाद हम सीधा रेड डॉट म्यूजियम की तरफ चले गए क्योंकि हमें पता था रात के 8 बजे बंद हो जाता है और उसके पहले हमें बहुत कुछ कंप्लीट करना था। तो फिर रेड डॉट म्यूजियम ये रहा सामने, और अब मेरे को वहाँ सामने रेड डॉट म्यूजियम दिख रहा है क्योंकि मैंने उसका आर्किटेक्चर देखा हुआ है और पढ़ने में भी आ गया है। उसका साइनेज वो दूर वहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको स्क्रीन पे नहीं पता चल पाएगा बट इट्स देयर। तो हमने पहले दिन रेड डॉट म्यूजियम कवर किया, बाय सैंड्स का दिन का नज़ारा लिया, उसके बाद फिर हम लोग आर्ट साइंस म्यूजियम भी घूमने गए, वहाँ पे क्रिस्टल म्यूजियम था एंड देन बहुत सारे तरह के एग्जीबिशंस लगे हुए थे जो हम आपको आगे दिखाएंगे।